नमस्कार दोस्तों, मैं आदिति आप सभी लोगों का करंट अवेयर नेशनल में स्वागत करती हूं, जहां पर हम लेते हैं करंट का टॉपिक और उसे अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो आज हम बात करेंगे मल्टी स्टेट फिशिंग स्कैम। रिसेंटली में ही हरियाणा पुलिस ने ये आइडेंटिफाई किया है, ये बताया है कि एक रैकेट है, एक टीम है, ग्रुप है, जो कि बैंक अकाउंट से पैसे चोरी कर रहा है By using eSIM। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। रिसेंटली में हरियाणा पुलिस ने ये बताया है कि एक रैकेट है, ग्रुप है, जो कि हमारे बैंक अकाउंट से पैसे चोरी कर रहे हैं। eSIM का यूज़ करके वो फ्रॉड कर रहे हैं लोगों के साथ, बैंक अकाउंट से पैसे निकाले जा रहे हैं, साथ के साथ ही पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल डेटा है, उसको भी चुरा रहे हैं यूजिंग फिशिंग। फिशिंग क्या होता है? फिशिंग एक साइबर क्राइम है जो कि पर्टिकुलर एक पर्सन को टारगेट बनाता है, उसके बाद उसे ईमेल के थ्रू या फिर टेलीफोन के थ्रू कॉल करके या उसके टेक्स्ट भेज के उसके जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे एक्सेस करता है। और eSIM क्या होता है? जैसे यूजुअली जो हमारा सिम कार्ड होता है वो हम फ़ोन के अंदर डालते हैं, एक फिजिकल आइडेंटिफिकेशन है, लेकिन eSIM क्या होता है? वो फ़ोन के अंदर बिल्ड होता है और उसको हम किसी भी नेटवर्क में बहुत ईजिली चेंज करवा सकते हैं और एक ही सिम से बहुत सारे नंबर्स भी चला सकते हैं। तो eSIM का यूज़ करके जो एक रैकेट है, ग्रुप है, वो लोगों के बैंक अकाउंट से वो पैसे चुरा रहा है। समटाइम वो मैसेज करते हैं और मैसेज करने के बाद अगर आप वो मैसेज को ओपन करते हो तो वो आपका जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सेस कर लेते हैं, पर्सनल डेटा जो भी हमारा फ़ोन में होता है रिगार्डिंग हमारा जो कार्ड पे ऊपर नंबर होता है उन सबको एक्सेस कर लेते हैं, हमारी बैंक की डिटेल और अदर हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको भी एक्सेस कर लेते हैं। दूसरा वो यूज़ करते हैं वे की ईमेल सेंड करते हैं, अगर हम उस ईमेल को ओपन करते हैं और फर्दर उसमें जो भी लिखा है उसे देखते हैं, पढ़ते हैं, क्लिक करते हैं तो हमारे फ़ोन के अंदर या लैपटॉप के अंदर घुस के वो हमारी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सेस कर लेते हैं बहुत ईजिली। तो अकॉर्डिंग टू द RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2019-20 के अंदर 2678 कार्ड से चोरी हुई है, पैसों की चोरी हुई है। अगर इनको टोटल करें अमाउंट में तो 195 करोड़ रुपीस की चोरी हुई है 2019-20 में, और इसका कंपैरिजन करें 18-19 का तो ये डबल से भी ज़्यादा फ्रॉड हुए हैं। डे बाय डे जो फ्रॉड है ऑनलाइन का, साइबर क्राइम का, वो बढ़ता ही जा रहा है। और जो एक्सपेक्ट जो अगर 2020 और 2021 की बात करें अप्रैल और जून के अंदर, क्योंकि सभी लॉकडाउन था तो सभी लोग घर पे ही थे, ऑनलाइन ही काम कर रहे, तो उस टाइम में जो रिपोर्ट आई है वो 530 फ्रॉड्स हुए हैं, 530 फ्रॉड्स की ट्रांजैक्शन हुई है डेबिट क्रेडिट कार्ड से और टेक्निक्स का यूज करके, उन्होंने मेल का यूज करके, क्योंकि अभी लॉकडाउन था तो सभी लोग ऑनलाइन ही चीजें प्रेफर कर रहे थे, ऑनलाइन काम चल रहा था, ऑनलाइन ही पेमेंट आ रही थी, तो साइबर क्राइम है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। इसको लेकर RBI ने बहुत सारे स्टेप भी उठाए हैं कि ताकि जो साइबर क्राइम है ये थोड़ा कम हो जाए और सेफ्टी है वो बढ़ जाए। ई बात मतलब इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए गए हैं, जिसमें लोगों को अवेयर करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, स्पेशली जो लोग बैंक में काम करते हैं, ताकि वो लोगों को, कस्टमर्स को जागरूक कर सके कि अपना जो OTP वगैरह है, पिन है, पासवर्ड है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो किसी से भी शेयर ना करें। क्योंकि कई बार क्या होता है, इवन तो जब हम किसी से कॉल पे भी बात कर रहे होते हैं तो उस टाइम भी आपको ट्रैक करना कि आपकी बातें सुनना जो लोग क्राइम करते हैं उनके लिए बहुत आसान है। अगर हम फोन पे भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी को दे रहे हैं, अपने कार्ड का नंबर दे रहे हैं या बैंक अकाउंट की डिटेल दे रहे हैं, तो वो भी सेफ नहीं है अभी के टाइम में। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो अपना पर्सनल डाटा है वो आप कहीं पे भी किसी के भी साथ शेयर ना कीजिए और साइबर क्राइम से बचें। और कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है वो कोऑर्डिनेट करके नोडल एजेंसीज के साथ साइबर क्राइम को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी, अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।